अरे बच्चों, आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। ये बातें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसकी महसूस हुआ कि मुझे इन बातों को करना चाहिए। जैसा कि आज थोड़ा सा अनाउंसमेंट की सुगबुगाहट स्टार्ट हो गई है कि नीट यूजी का जो डेट है वो जल्दी ही अनाउंस होने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो आपके लिए एक अच्छी, जो भी नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जो है खुशखबरी भी है ये। लेकिन बेटा, मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, स्पेशली उनके लिए है ये बात जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं इसकी शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से करूँगा जिसका जो है बर्थडे को अपन 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, और जीनियस डे के रूप में, जीनियस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये व्यक्ति हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अब बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि 14 मार्च को हम जीनियस डे मनाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे, जो कि एक यहूदी थे, और उन्हीं को उनके जो है बचपन में और बचपन से लेकर के एडल्ट होने तक लोगों ने उनको बेवकूफ कहा, मूर्ख कहा, और कई बार तो उनको खुद को एहसास होने लगा कि वाकई में मैं बेवकूफ हूँ या मूर्ख हूँ। और इसके लिए उन्होंने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, किताबों को स्टडी करना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने विश्वास को कायम रखते हुए कि नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। तो बेटा, ये दुनिया है, लोगों का यही काम रहा है कि वो हमेशा नेक और अच्छे इंसान को बुरा बनाते रहे हैं, ये दुनिया वाले हैं। तो आपके आस पड़ोस के भी लोग कई सारे ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि शर्मा जी, आपका बेटा नीट की तैयारी कर रहा है, ओहो, नीट तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, बड़ी फीस लगती है, 1 करोड़ रुपया तो आप कम से कम रख लीजिए। अब बेचारे शर्मा जी परेशान, बेचारे शर्मा जी परेशान कि 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे, उनकी बेटियां भी हैं, उनकी शादी करनी है, खर्चे चलाने हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेडिकल कॉलेज की फीस, अगर बच्चा गवर्नमेंट सीट से जाता है, तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की जो है मेडिकल कॉलेज की फीस जो है 1 लाख से ऊपर होगी। ये मत कहिए कि वो नया कॉलेज है, वो न्यूली एस्टेब्लिश कॉलेज है, अदरवाइज जो भी जितने भी पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, इवन जैसे राजस्थान का, हम SMS को कह दें, तो काफी नॉमिनल फीस होती है मेडिकल कॉलेज की, अगर आप फ्री सीट से जाते हैं तो। लेकिन लोगों का क्या है, लोगों की लैक ऑफ नॉलेज, लेकिन वो रायचंद बन जाते हैं और वो नहीं समझते हैं कि अपनी इन निगेटिव बातों से वो एक पूरे परिवार को जो है सदमे में लाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसे लोगों को सख्त अपने से दूर रखिए, सख्त दूर रखिए। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहा हूं कि जिनको बेवकूफ या मूर्ख कहा गया, उनको 1921 में फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, और 1952 में, चूंकि वो एक यहूदी थे, तो जब इसराइल एक नया देश बना तो 1952 में इसराइल ने उनको प्रेसिडेंट का ऑफर दिया था। बताइए, इतने और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज ने उनको अपने यहाँ रिसर्च करने के लिए ऑफर किया। बाद में हालांकि उन्होंने प्रिस्टाइन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया, लेकिन आज सोचिए आप, इतने जीनियस व्यक्ति को लोगों ने, अगर लोगों की बात सुने तो वो तो बेवकूफ थे, वो तो मूर्ख थे, लेकिन नहीं, उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। तो मेरी बेटा, एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो इन बातों को समझें कि हमारे आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए उनकी ओपिनियन आपके लिए कोई माने नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता बेटा। मैंने अपने जीवन में लोगों का ओपिनियन कभी माने रखा ही नहीं, कभी नहीं रखा, और शायद इसीलिए मैं अभी तक सही हूं। तो कोई माने नहीं रखता लोगों का ओपिनियन, वो उनका ओपिनियन है, वो आपके लिए क्या ओपिनियन दे सकते हैं। तो मेरे बच्चों जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि वो तमाम टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं, तमाम इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें उनसे जब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, मैं बार बार यही कहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ हो रही हैं तो गलतियों को पहचानो, उनको पहचानने के बाद उन गलतियों का रिवीजन करो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, उनको इतनी बार रिवीजन करो, और रिवीजन करने के लिए डिफरेंट डे सेलेक्ट करो। जैसे आज की, आज आपने 5 गलतियों को रिवाइज किया, तो कल उन्हीं 5 को रिवाइज करो, परसों उन्हीं 5 को रिवाइज करो। मैं देखता हूं कि नेट एग्जाम तक वो 5 गलतियां दोबारा आपसे कैसे हो जाती है, मैं देखता हूं, और आप भी देखेंगे। तो अपने आप को एक कॉन्फिडेंट रखो बेटा,
और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो बच्चे भी नीट के लिए फोकस हैं, उनके मार्क्स अप डाउन हो रहे हैं, तो वो क्या करें? सबसे मान लीजिए, हम मान के चलते हैं कि 14 सितंबर को नीट की डेट अनाउंस होती है, तो हमें जुलाई में क्या करना है? हमें जुलाई में अपना जो है सारा का सारा जो वीक टॉपिक है और जो बचा हुआ हमारा टॉपिक है 11, 12 मिला करके, उसको सारे को कवर कर लेना है और जुलाई में ही हमें तैयार हो जाना है, जुलाई के एंड तक, कि नाउ वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ 11th एज वेल एज 12th, और अगस्त में उसको जो है हमें रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है विद द टेस्ट पेपर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट पेपर। अब चाहे वो टेस्ट पेपर पर डे एक टेस्ट पेपर हो, लेकिन हमें करना है। हालांकि उस वक्त भी अगर आपको किसी टॉपिक में अपना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो 1-2 दिन का गैप लेकर के सेपरेटली आप उसकी स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगस्त का महीना आपका फुल टेस्ट के लिए डिवोटेड होना चाहिए। जुलाई का महीना का पूरा जो लेफ्ट आउट आपका जो वीक टॉपिक्स हैं और उनको कवर करने में जाना चाहिए। ये एक बात हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात कहूंगा, उन बच्चों से जो काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनको लग भी रहा है कि हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि वो दिन में अपने 4 से 5 घंटे ऐसा निकालें जिसमें वो अपने आप को टोटली रिजर्व कर लें। टोटली रिजर्व मतलब नो फोन कॉल्स, नो व्हाट्सएप, नो मैसेजेस, नो एनी काइंड ऑफ टॉक्स विद देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स। मतलब घर के एक एक सदस्य को पता होना चाहिए कि हमारे इस बच्चे का जो ये टाइम है, इसमें हम इसकी किसी से बात नहीं करा सकते, क्योंकि ये इसका बिल्कुल पर्सनल टाइम है। ये 4 से 5 घंटे का टाइम ये रोज पूजा करता है। पूजा मतलब आज की डेट में आपकी जो किताबें हैं, यही तो पूजा है, ठीक है ना? आपके लिए तो पूजा ही है, जो भी नेट यूजी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये पूजा और प्रार्थना से कम नहीं है। तो ये टाइम जो है आपके सभी को एक मैसेज चला जाए। अब ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं क्यों कर रहा हूं कि पूजा है, प्रार्थना है, क्योंकि देखो बेटा, नेट यूजी से हम बनते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर बनना जो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें से कई के पेरेंट्स का सपना होगा और इनमें से कई बच्चों का खुद का सपना होगा। तो सपना चाहे बच्चे का खुद का हो और चाहे पेरेंट्स का हो, बच्चे की ड्यूटी है कि अगर वो खुद का सपना है तो जी जान से पूरा करे, और अगर वो पेरेंट्स का सपना है तो कम से कम पेरेंट्स की बात रखने के लिए ही सही, और उसने जो है इसकी तैयारी अगर आगे कर दी है ना, मतलब इसने अपना समय दे दिया है और अपनी रजामंदी रख दी है, भले ही जो है मर्जी पेरेंट्स की है, तो पेरेंट्स की बात को रखने के लिए एक बार वो सिलेक्शन ले ही ले, क्या दिक्कत है, नुकसान क्या जाता है? उसके बाद भले वो कह दे कि माताजी, पिताजी, ये मैंने सिलेक्शन आपको दे दिया, अब मुझे ये काम करना है, अब तो मुझे लिटरेचर में जाना है, अब तो मुझे लॉ में जाना है, अब तो मुझे पीसीएस करना है, मुझे आईएएस करना है, करो कुछ भी। क्योंकि बेटा, मेरा ये मानना है कि हमें अपने पेरेंट्स को खुश करने का और खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने का जो है पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में प्रयत्न करना चाहिए। माता पिता का सम्मान ही हम बच्चों की सही सीख मानी जाएगी, और हम जो टीचर्स अगर ऐसा कर पाए, मैं अपने टीचर्स भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चों में इन मोरल वैल्यूज को विकसित करें, डेवलप करें। हमारे समाज में अगर किसी भी तरह की गंदगी हो रही है, लोगों का नैतिक पतन हो रहा है, तो इसके लिए शिक्षक भी जिम्मेदार है, टीचर भी जिम्मेदार है। टीचर अपने सब्जेक्ट में इतना उलझा रहता है कि वो इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देता। अरे, आपका सब्जेक्ट के साथ साथ ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अहम है, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छा डॉक्टर नहीं बना पाए, हम अच्छा आईएएस नहीं बना पाए, तो फिर इस आईएएस और ये डॉक्टरी करने का फायदा भी क्या हुआ, क्या फायदा हुआ फिर? तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। और मैं अपने बच्चों से बात करना चाहूंगा कि हमेशा जो है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव जो है विचारों से भरे रहें, और उसमें से एक विचार मैंने अभी कहा कि अगर 4 से 5 घंटे नियमित आप अपने वीक टॉपिक्स को जो है पूजा की तरह, प्रार्थना की तरह देखते हैं, बिना किसी डिस्टरबेंस के, किसी भी सिंगल डिस्टरबेंस के, तो यकीन मानिए आपका जो कॉन्फिडेंस है 3 to 4 days में वो इतना ज्यादा बूम कर जाएगा कि मुझे नहीं लगता कि किसी की भी निगेटिव बात जो है वो आपको परेशान करने वाली है। और फायदा तो आपका सब्जेक्ट पे जो कमांड है वो तो आपका होगा ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही होगा। समझ गए ना बेटा? और सबसे खास बात जो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे खास बात जो बताना चाहता हूँ कि
नीट के लिए जो है ना आपकी एक अच्छी प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरा ये मानना है कि 3 घंटे का पेपर कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी बच्चा, या ज़्यादातर बच्चे कर सकते हैं, कोई भी बच्चा से मतलब कि जो बच्चे ने तैयारी की है। लेकिन वो 3 घंटे में ही सारा कुछ कर पाए और इतना कर पाए जिससे कि उसकी जो है अच्छी मेरिट बन जाए, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसी की हमें प्लानिंग करनी है, इसी की हमें तपस्या करनी है, और इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो बड़े बड़े टेस्ट पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छे, टॉप 100 में भी आते हैं, लेकिन नेट में सिलेक्शन उनका रह जाता है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई ना, चाहे वो कमी इंस्टीट्यूट की थी, टीचर्स की थी, या खुद बच्चे की थी। और सबसे अंत में मैं अपनी बात कह के ख़त्म करूंगा कि बेटा याद रखना, जीवन में सभी चीज़ों से महत्वपूर्ण क्या है, किसी के लिए भी, बच्चे के लिए भी, बच्चे के पेरेंट्स के लिए भी, सबसे महत्वपूर्ण है खुश रहना, टू बी हैप्पी। ये किसी भी चीज से बेटा जो है महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में बिल्कुल खुश रहें, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना बहुत छोटी है, और ये जो मनुष्य का जो जीवन मिला है ना बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सोचो, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा ये जीवन। इसलिए इस जीवन को इस तरीके से जियो, आनंदमय तरीके से जियो, लोगों को खुशियां देते हुए जियो, सुबह प्रातः काल में अपने मम्मी पापा के पैर छू के जीव इस दिन की शुरुआत करो। देखिए आपको कितना आनंद मिलता है जब आप दूसरों को खुशी देते हैं, और उस दूसरों में आपके माँ बाप रहे, अगर आपके भाई बहन रहे, तो ये जो खुशी होती है वो दुगुनी तिगुनी हो जाती है, और फिर आपके जीवन का लक्ष्य भी बहुत सटीक हो जाता है। तो इन बातों पे ध्यान रखिए, जो मैंने बातें की है उसमें दो महत्वपूर्ण बातें थी, अपने को पॉजिटिव रखना है, सारे अच्छे विचारों के लिए माँ बाप का सम्मान करना है, लोगों से अच्छा बोलना है, अच्छी सोच रखनी है, और अपने वीक टॉपिक्स को जुलाई जुलाई में पूरा कवर कर लेना है, ताकि कुछ भी ना बच जाए कि हमें अगस्त में होने वाले टेस्ट को इसलिए नहीं देना है क्योंकि ये टॉपिक हम रिवाइज नहीं कर पाए। इसी के साथ मैं अपने आगे के वीडियोस में और जो बातें मैं महसूस करूंगा, तमाम बच्चों की तकलीफें महसूस करूंगा, उनको जो है उनके निदान के लिए, उनके सॉल्यूशंस के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक से हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।